हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, टेंस पढ़ रहे थे हम लोग और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है डिड। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इज, एम, सॉरी, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर, प्लूरल, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आप किसका यूज करोगे? डिड का यूज करोगे। ठीक है, सुनो एक बार। इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म यहां पे दो होती है। देखिए कैसे, सेंटेंस के हिसाब से देखो, मेन वर्ब की फॉर्म दो होगी, जिस टाइप से हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पढ़ते हैं कि मेन वर्ब की दो फॉर्म होती है। अगर सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको, सिंपल सेंटेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आई एस का यूज होता है। एज इट इज, जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस आप पढ़ोगे वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब अगर अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे प्लस डिड का यूज करोगे। ठीक है, तो आप देखो, सेंटेंस यदि आपके पास सिंपल है या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको, अफर्मेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। समझ में आया? अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब आप डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, देखो, मेन वर्ब हो गई। पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन इसकी, हिंदी में बता देता हूं, काम आ जाएगी आप ट्रांसलेशन में, अगर आपको ट्रांसलेशन करना हो तो काम आ सकती है, बता देता हूं आपको। हिंदी में पहचान क्या होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, दी, थी, ते, थे आदि आता हो। अगर इसके अलावा भी देखो, जब किसी सेंटेंस में था, थे, थी, है, गा, गे, गी, कुछ भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं चलता कि सेंटेंस सिंपल का, सॉरी, सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, पता नहीं चलता, और उस सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आ रही हो, प्रोनंसिएशन में लास्ट में आ, ई, ए ऐसा कुछ भी आ रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैंने खाना खाया, तो अभी मुझे पता ही नहीं है सेंटेंस में टेंस कौन सा है। क्यों? क्योंकि अगर था, थे, थी कुछ लिख रहा होता, लग रहा होता, तो हम किसका यूज करते? पास्ट का। है, हा, है या हूं ऐसा कुछ भी लिख रहा होता तो हम किसका यूज करते? प्रेजेंट का। गा, गे, गी अगर कुछ भी होता तो फ्यूचर का यूज करते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में आपको ध्वनि देखनी है, प्रोनंसिएशन जब आप कर रहे हो उच्चारण, तो वॉइस कैसी आ रही, किसकी आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो आ, ई, ए, कोई भी ध्वनि आए, ठीक है, तो उसके साथ आप किसका यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करोगे, एक स्पेशल कंडीशन में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अदरवाइज हिंदी में आप आइडेंटिफिकेशन याद रखते हो नहीं रखते उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीजें कंप्लीट है। इसके बाद देखो एडवर्बियल्स।
इसमें क्या होता है कि पास्ट का कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट के बारे में बात करता है, जिससे पास्ट का पुराने पिछले बीते हुए टाइम का पता चलता है। जैसे एडवर्ब देखो, जैसे यस्टरडे, एगो, बिफोर, वन डे, वंस, दैट डे, as soon as, when, as, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एडवर्ब बताऊं, yesterday, ago, before, that day, one day, once, ऐसा once, once, twice, thrice, ये आप present indefinite में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पे मैंने special case क्या बताया था कि once, twice, thrice के साथ में time दिया हो तब आप present indefinite का use करोगे, और सिर्फ अगर once दिया हो तब आप present tense का use करोगे, sorry past tense का use करोगे, ठीक है ना। अब देखो yesterday, ago, before, ये सब क्या है, पुराने time को बताने वाली बातें हैं, yesterday, ठीक है, वन डे एक बार, एक दिन एक बार, वंस ठीक है, दैट डे उस दिन, एस में जैसे ही, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये आपके पास्ट टेंस को डिफाइन करने वाली हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस के बारे में जब भी बात होगी तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, पास्ट इनडेफिनेट का, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जब आएगा तो आप पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरी चीजें, चलो मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखा, देखो मैंने आपको बी का यूज बताया था किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में, क्या बताया था कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट, यदि सेंटेंस प्रेजेंट का हो, लास्ट में बी लग रहा हो, तब आप अगर प्रेजेंट का है तो इजमार का यूज करेंगे, पास्ट का है तो वॉज या वर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस है वो पास्ट का किस तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि बी है, बी के साथ में वंस का यूज हो रहा है, वंस एक बार, देयर इज ए किंग, राजा है या राजा था, एक बार की बात हो रही है तो राजा था, और वाज या वर है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं जबकि एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वाज या वर ऐसी जगह पे जब यूज हो रहे हैं बी के लिए तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। यहाँ पे अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा दूसरा रूल देखो, इसका एक एडवर्ब हो गए, देखो लास्ट जब भी आ रहा है, लास्ट लास्ट के साथ में कुछ भी टाइम आ जाए, लास्ट के साथ कोई भी टाइम दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी टाइम दिया हो। जैसे देखो अभी मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आई टू
हिज हाउस लास्ट मंथ। गो, आई गो टू हिज हाउस, आई गो टू हिज हाउस। हमने तो क्या रखना है, मैंने आपको बताया ब्लैंक्स कोई भी हो, आपको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। आपने रख ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी तरफ से, अब आपको क्या करना है, आई गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर जाता हूं। यहां तक सही भी है सेंटेंस, यहां तक आपका सही भी है, लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ते हो एडवर्ब के पास आप जाते हो, आई गो टू हिज हाउस लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने उसके घर जाता हूं, नहीं मैं घर जाता हूं नहीं, पिछले महीने की बात हो रही है तो मैं घर गया, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जब लास्ट मंथ मतलब पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है, और पास्ट इंडेफिनेट की जब बात हो रही है तो आप सेंटेंस चेक करोगे सिंपल है या नेगेटिव है। सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है तो क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, डिड का यूज नहीं होगा, सिर्फ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या हो जाएगी, वेंट, आई वेंट टू हिज हाउस लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने उसके घर गया। जैसे यहां से भी आप लिख सकते हो, जैसे ही दिस शर्ट टू डेज एगो, ठीक है, या आप यहां पे यस्टरडे कर लो, एक ही बात है, टू डेज एगो कर लो, यस्टरडे कर लो, ठीक है, बिफोर टू डेज कर लो। यहां पे मैं करता हूं बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। उसने क्या किया, ही बाय दिस शर्ट यस्टरडे। अपने को तो क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख लो सबसे पहले, ही बाय दिस शर्ट यस्टरडे। अब सेंटेंस देखो, ही बाय दिस शर्ट, वह यह शर्ट खरीदता है, लेकिन बात क्या हो रही है, यस्टरडे मतलब कल खरीदी थी, खरीदता नहीं है, खरीदी थी कल उसने, ठीक है, तो उसने यह कल यह शर्ट कल खरीदी, मतलब यस्टरडे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोट। क्या हो जाएगी, बोट, ही बोट दिस शर्ट यस्टरडे। ओके, क्लियर है भाई, समझ में आया, एडवर्ब्स आपको समझ में आए, पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज समझ में आ गया। अब देखो एक रूल और है छोटा सा, लिखाऊंगा आपको, यहां तक लिख लिया, फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने हैं ये नोटबुक में, आपके सारी चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखना, नोटबुक पेन लेके बैठा करो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो। देखिए तीसरा रूल लिखो, इन प्लस ईयर कोई भी, ठीक है, इन प्लस ईयर, इनके साथ में कोई भी ईयर दिया हो, कोई भी वर्ष दिया हो, जैसे इन 1991, इन 2005, ठीक है, तो यहां पे आप पास्ट इंडेफिनेट का यूज करोगे। कैसे, जैसे देखिए, फ्रीडम इन 1947, और यहां पे मैंने लिखा गेट, वी गेट फ्रीडम, वी गेट फ्रीडम, अपने को तो जो दिया वही लिखना है ना, वी गेट फ्रीडम इन 1947, कब की बात हो रही है, 1947 मतलब पहले की बात हो रही है, हमें 1947 में आजादी मिली, तो
सेंटेंस कैसा हो गया आपका पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में किसका यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी गोट। क्या हो जाएगी गोट। वी गोट फ्रीडम इन 1947। ठीक है लिखो जल्दी से। देखो यदि कोई भी सेंटेंस है, मान लो हमने लिखा था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस, दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट का हो जाएगा। लेकिन पास्ट में क्या होगा कि यदि सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है तो पास्ट में ही खत्म होगा, पूरा सेंटेंस पास्ट का ही रहेगा। ठीक है, जैसे यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट होता है तब पास्ट टेंस में ही समाप्त होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप पास्ट इंडेफिनेट की ही बात कर रहे हो। पास्ट इंडेफिनेट से शुरू हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट में खत्म होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में शुरू हुआ है तो जरूरी नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूस में शुरू, पास्ट इंडेफिनेट में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, राधा कुक्ड फूड, राधा ने भोजन बनाया एंड टू हर होम। यहां पे आपको गो की फॉर्म का यूज करना है। राधा कुक्ड फूड एंड गो टू हर होम। तो गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। यहां आपको क्या करना है, सेंटेंस अपना पास्ट का है क्योंकि कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां भी आप क्या करोगे एंड से जुड़ा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट ही रहेगा। राधा कुक्ड फूड एंड वेंट टू हर होम, वेंट टू हर होम। ठीक है, दूसरा देखो एग्जांपल, व्हेन आई वाज कुकिंग फूड आई ए वॉइस, When I was cooking food, I hear a voice. अपने को तो क्या रखना है, अपने को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। When I was cooking food, जब मैं भोजन बना रही थी या बना रहा था, जो भी है, When I was cooking food, I hear a voice. मैंने एक आवाज सुनी, तो पास्ट की बात होगी ना, सुनी, सीधी सी बात है, पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट में खत्म होगा। और रूल बता देता हूँ, जब सेंटेंस आपका वैन या वाइल से जुड़ा हो, एक सेंटेंस आपका पास्ट का है तो दूसरा भी आपका पास्ट का ही रहेगा। क्या करोगे, आई हियर्ड ए वॉइस, जब मैं भोजन बना रहा था मैंने एक आवाज सुनी। ठीक है भाई, यह आपका पास्ट इंडेफिनेट, लिखो जल्दी से। हाँ, यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस इट विल लास्ट इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में शुरू होता है तो पास्ट टेंस में ही खत्म होगा। इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स इन पास्ट टेंस देन इट विल लास्ट इन पास्ट टेंस। ठीक है,
लास्ट आपका रूल लिखा देता हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट में, यदि सेंटेंस में put that I wish aadi ho tab verb ki second form ka use karenge if there is if as if as though would that I wish etc are in the sentence there will be used second form of the verb. तो सेकंड फॉर्म की यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे ठीक है. कैसे देखो ये सब सेंटेंस होते हैं आपके सपोजिशनल सेंटेंस काल्पनिक वाक्य होते हैं और काल्पनिक वाक्य में हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं कि काश ऐसा होता ठीक है ना काश ऐसा होता. तो लिखो इनको लिखो जल्दी से फिर मैं एग्जाम्पल लिखाता हूं आपको. He speaks as if he know everything. Know की full form sorry know मतलब क्या होता है जानना ठीक है. नो की सेकंड फॉर्म हमें क्या करना एज इफ का यूज हो रहा है तो हमें क्या करना वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है. नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी न्यू. ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग ऐसे बोलता है मानो उसे सब कुछ पता हो ठीक है. न्यू एन ई डब्ल्यू हो जाएगा. लिख लीजिए जल्दी से. हटा रहा हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है वो टेंस आपका कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक है भाई. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज पढ़ेंगे. देखिए वर्ब होती है वाज 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 का यूज करेंगे आई ही सी इट किसी का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है भाई. वर्ब का यूज कहां पे करेंगे we you they plural subject I he she it या किसी का नाम या कोई भी singular subject हो तो आप वहां पे was का use करेंगे. we you they या कोई भी plural subject है तो आप वहां पे were का use करेंगे ठीक है. इसके बाद देखिए main verb मेन वर्ब यहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब के आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं उसको. वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज यहां पर आप करोगे ठीक है भाई. दोनों ही चीजें हैं यहां पे. इसके बाद
ऐसा विशेष स्पेशल केस फास्ट इंटरनेट की तरह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके एडवर्ब पढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा, लास्ट से आप जोड़ के पढ़ा करो, देखो इसको लिख लो पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करोगे, उसका पास्ट रूप पढ़ोगे एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट, ठीक है भाई। एडवर्ब देखो इसके, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, व्हाई इट इज एक्सेट्रा, इन सब का जब यूज हो तो वहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करोगे, और पास्ट कंटिन्यूअस का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। देखो इसका एग्जांपल देखो, आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए वॉक, ये सही होता आपका, जब यहाँ पे जनरली यूजुअली रेयरली हार्डली स्कार्सली ऐसा कुछ लिखा होता तो आप क्या करते, आई गो फॉर ए वॉक, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, जब आप एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट वगैरह होता तो आप क्या करते, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक एट दिस टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है एट दैट टाइम, पास्ट की बात कर रहा है, आप क्या करोगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के आई एनजी फॉर्म का यूज करोगे, आई के साथ किसका यूज करोगे, वाज का, आई वॉज गोइंग फॉर ए वॉक एट दैट टाइम, ठीक है भाई। हटा दो, यदि सेंटेंस में वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तब जुड़े हुए दूसरे वाक्य के ब्लैंक्स में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म का यूज करें, देखिए दो सेंटेंस है आपस में जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस में वैन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है और दूसरा सेंटेंस उससे जुड़ा हुआ है उसमें अगर ब्लैंक्स है तो ब्लैंक्स में आप वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल बताऊंगा आपको, पहले इसको लिखो जल्दी से, एग्जांपल निकालता हूं फिर।
देखिए सेंटेंस आपके दो, क्योंकि देखो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है तो सेंटेंस अलग अलग है। When he came in, when के बाद verb की second form का use हो रहा है, come came come. When he came in, जब वह अंदर आया, तो आप क्या करोगे, पहला जो दूसरा उससे वाक्य जुड़ा हुआ है उसमें verb की first form ing plus was या verb का use करोगे। I was reading, I was reading a book when he came in, जब वो अंदर आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है भाई। दूसरा रूप यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि दो वाक्य एज या व्हाइल से जुड़े हों, यदि दो वाक्य एज या व्हाइल से जुड़े हों एवं एक वाक्य पास्ट टेंस का हो। अब पास्ट टेंस कोई भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि दो सेंटेंस एज या व्हाइल से जुड़े हों एवं एक वाक्य पास्ट टेंस का हो तब दूसरे वाक्य के ब्लैंक्स में, दूसरे वाक्य के ब्लैंक्स में वॉज वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए इंग्लिश में लिखना है, मैं इंग्लिश में बोल के बता देता हूं आप लोगों को। इफ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद एज और व्हाइल एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफ पास्ट टेंस देन द सेकंड सेंटेंस विल बी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है एज और व्हाइल से जुड़े हुए हैं तो दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, देखो जल्दी से, द टीचर केम लेट, द टीचर केम लेट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां पे आप तो ध्यान रखा करो, While the students for him, ठीक है, और यहां पे आपको वेट की करेक्ट फॉर्म का यूज करना। देखो द टीचर केम लेट, टीचर लेट आया या टीचर लेट आता था, वाइल द स्टूडेंट्स वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम क्या करोगे, वॉज वेटिंग फॉर हिम। क्यों, क्योंकि पहला जो सेंटेंस है इसका व्हाइल से पहले ये पास्ट टेंस का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो दूसरा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अपने आप हो जाएगा। क्या करोगे, वॉज सॉरी स्टूडेंट्स वर आएगा, वर वेटिंग फॉर हिम, ठीक है भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूस तक कंप्लीट हो गया है आपका, लास्ट दो या तीन वीडियो में आपके टेंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर समस्या आ रही है कोई भी तो आप कमेंट में या फिर कॉल करके, स्कूल में संपर्क करके किसी भी तरीके से आप बता सकते हो। बट रेगुलर पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है भाई। और साथ ही अब इनको कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट भी एक शेड्यूल कराया जाएगा, ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखना, ओके।